बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़र वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाएं। आज हम शुरू करेंगे अपना तीसरा बुर्ज, बुर्ज जौज़ा, जिसे जैमिनी कहा जाता है। और इसका जो हाकिम है वो अतारद है, यानी उसको मरकरी भी कहा जाता है। तो देखेंगे इनके लिए जो मई है 2020 ये कैसा रहेगा। बुर्ज जौजा वाले अफराद का अगर हम देखें इस मंथ में, तो प्लैनेट वीनस यानी सितारा जुहरा इनके ताले में पड़ा है, लगन में मौजूद है। इस वक्त पर्सनैलिटी के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है, पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग, कॉन्फिडेंस इस हवाले से, और बहुत अच्छे मौके मिलेंगे आपको इस मंथ के अंदर, स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड और कोई तहरीरी मुकाबले के लिए या कोई ऐसा काम तहरीरी तौर पर जिसके अंदर रिस्पेक्ट नेम फेम इन्वॉल्व हो। सेकंड चीज़ इसमें मोहब्बत के मामलात अगर देखें तो इस मंथ में बहुत ज़्यादा आपका फोकस रोमांस की तरफ, फ्रेंडशिप की तरफ, मोहब्बत के मामलात की तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस मंथ के अंदर मोहब्बत की शादी के हवाले से बहुत ज़्यादा आपके जो पर्सनालिटी है, आपकी तबीयत है, इस तरफ माइल रहेगी और आप इस तरफ कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेकंड, अगर हम इनकी फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें, फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से ये मंथ इंशाल्लाह इनके लिए एक अच्छा मंथ साबित होगा। इस मंथ के अंदर इनकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होती नज़र आ रही है, इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो क्राइसिस या जो माशी दबाव है उसके अंदर इंशाल्लाह कमी होती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन की। एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो इनके लिए ये अच्छा मंथ रहेगा। एजुकेशन के मामला बेहतर रहेंगे, एजुकेशन के अंदर बहुत कामयाबियाँ मिलती नज़र आ रही हैं। और सेकंड, जिनके यहाँ औलाद नहीं है, ऐसी खवातीन जो इलाज करवा रही हैं उनके लिए ये अच्छा टाइम होगा इस मंथ के अंदर। प्रेगनेंसी के चांसेस नज़र आते हैं और इंशाल्लाह औलाद की खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। थर्ड, इसमें मोहब्बत के हवाले से देखें तो मोहब्बत के हवाले से एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होगा। जिनके रिलेशनशिप ख़राब हो चुके हैं वो दोबारा ठीक हो सकते हैं, और जिनकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है उनके लिए भी एक अच्छा टाइम होगा। उनकी भी कहीं ना कहीं कोई फ्रेंडशिप, इस तरह के रिलेशनशिप बिल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज की। मैरिज के हवाले से अगर हम देखें तो ये महीना इनके लिए अच्छा रहेगा। इस माह के अंदर मैरिज करना, निकाह करना, निस्बत तय करना, मंगनी करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बेहतर नज़र आती हैं इस मंथ के अंदर। इस चीज़ से भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। और कारोबार के हवाले से अगर हम देखें तो कारोबार के मामलात के अंदर भी इस मंथ के अंदर बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं इनके जो फॉरेन ट्रैवल है, फॉरेन ट्रैवल के हवाले से देखें तो ये 10 मई तक आपका फॉरेन ट्रैवल जो है वो बेहतर नज़र आता है। इमिग्रेशन के मामलात बेहतर नज़र आते हैं। फिर उसके बाद आगे क्योंकि रेट्रोग्रेशन शुरू होगी सैटर्न की, तो उस वजह से कामों के अंदर डिले, आर्जी रुकावटें, ये चीज़ें पैदा होती हुई नज़र आ रही हैं। अब हम बात करते हैं इनकी जॉब की। ऐसे अफराद जो जॉब करते हैं, जॉब करने वाले अफराद के लिए स्पेशली अगर हम देखें तो ये मंथ थोड़ा सा मिक्सअप रहेगा। कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ फिर इस तरह से चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। इस तरह की मिक्सअप जो सूरत हाल है वो नज़र आ रही है, और थोड़ा सा ज़हनी दबाव का शिकार नज़र आएंगे इस हवाले से, और डिप्रेशन का जो है वो बिल्कुल शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से, लेकिन इंशाल्लाह ये चीज़ें ठीक हो जाएगी इस मंथ के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा।